Hello students, welcome back to your science class. So you all have studied the part of plants in lesson number 1. सबने पढ़ लिया ना part of plants क्या क्या होते हैं, अच्छे से पढ़ा. अभी हम पढ़ने जा रहे हैं chapter 2 which is plants as food. मतलब खाने में हम plants का इस्तेमाल कैसे कैसे करते हैं. तो जैसा कि हमने लास्ट लेसन में पढ़ा पार्ट ऑफ प्लांट्स में हमने क्या क्या पढ़ा. हमने पढ़ा स्टेम, हमने पढ़ा रूट, हमने पढ़ा लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स. तो दीज ऑल पार्ट्स ऑफ सर्टेन सम और द अदर प्लांट्स आर एडिबल. मतलब ये जो पार्ट्स हैं प्लांट्स के जो आपने लास्ट चैप्टर में पढ़े थे, रूट, स्टेम, फ्लावर, फ्रूट, लीफ, तो ये सारे पार्ट ही किसी ना किसी प्लांट के एडिबल होते हैं या खाने के काम में आते हैं. पर ये सब अलग अलग प्लांट्स में होते हैं. किसी प्लांट की हम रूट को खाते हैं, किसी प्लांट की हम स्टेम को एज अ वेजिटेबल खाते हैं, किसी प्लांट में हम फ्लावर को खाते हैं, सिमिलरली किसी में हम एज अ फ्रूट किसी प्लांट के पार्ट जो है वो एडिबल होता है एज अ वेजिटेबल एज अ फ्रूट ऑल्सो. एंड लीव्स भी बहुत सारे प्लांट में एडिबल पार्ट होती है. तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल दीज थिंग्स इन प्लांट एज फूड. आपको सबको पता है कि हम रोज खाना खाते हैं. यू ऑल ईट फूड डेली, ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक्स, डिनर, समथिंग और द अदर वी ऑलवेज ईट. एटलीस्ट 4 मील्स अ डे हम 4 बार कुछ ना कुछ खाते हैं. एंड वी ईट हेल्दी एंड बैलेंस्ड फूड, राइट? सो वी नीड फूड डेली. हमें रोज खाने की ज़रूरत है. क्यों खाने की ज़रूरत है, मैंने आपको पिछली बार बताया था. बिकॉज वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड. हमें फूड से एनर्जी मिलती है. और एनर्जी हमें क्यों चाहिए, क्यों चाहिए याद है? क्योंकि वी नीड टू प्ले, हमें खेलना है. एंड वी ऑल्सो नीड टू वर्क एंड वी ऑल्सो नीड टू स्टडी हार्ड. हमें पढ़ाई भी करनी है. वी डोंट हैव टू ट्रबल आवर पेरेंट्स. मम्मी पापा को परेशान नहीं करना है, राइट? तो हमें खाना क्यों खाना है? कि हमें एनर्जी मिले. एनर्जी जब हमें हमारे पास रहेगी तो हम उस एनर्जी से हम अपने काम करेंगे और खेलेंगे, राइट? वी गेट मोस्ट ऑफ आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स. हमें ज़्यादातर अपना खाना किससे मिलता है? प्लांट्स से मिलता है. लेट्स स्टडी वन बाय वन कि हम किस प्लांट के कौन से पार्ट को एडिबल पार्ट कहते हैं और हम उसे खाते हैं. सीरियल्स, सीरियल मतलब अनाज. सम प्लांट गिव अस सीरियल. कुछ प्लांट हमें अनाज देते हैं. वो कौन कौन से अनाज हैं? हम डेली में सबसे ज़्यादा अनाज क्या खाते हैं? रोटी. रोटी अनाज से बनती है. रोटी मतलब वीट, गेहूं से बनने वाली चीज़. अब चावल, राइस, राइट, वो भी एक अनाज है. मक्का, मेज, वो भी एक अनाज है. तो देखिए आपके एग्जाम्पल्स में क्या क्या लिखा है. सीरियल्स, द प्लांट विच गिव्स अस सीरियल्स आर वीट, राइस एंड मेज और कॉर्न. वीट से गेहूं से रोटी, राइस मतलब चावल और मेज और कॉर्न मतलब मक्का. सो दीज आर द 3 एग्जाम्पल्स ऑफ द प्लांट्स विच गिव्स अस सीरियल्स. सम प्लांट्स गिव्स अस पल्सेस. पल्सेस मीन्स दालें, लेग्यूम्स, लेंटल्स. तो कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो हमें दाल देती हैं? बीन्स. बीन्स, राइट, बीन्स से, बीन्स के जो सीड्स हैं वी यूज एज अ पल्सेस. और हम बीन्स को एज अ वेजिटेबल भी यूज करते. ग्राम, चना, चने की दाल भी बनती है. हम चना ऐसे भी खाते हैं, राइट. पी, मटर, हरी मटर हम ऐसे सब्जियों की तरह भी खाते हैं. और सफ़ेद मटर, इट इज अ काइंड ऑफ पल्सेस, वो एक तरीके की दाल है. तो ये 3 एग्जाम्पल्स हमारे किसके हुए? पल्सेस के. वी गेट फ्रूट्स फ्रॉम द प्लांट्स. ये तो आप सभी को पता है. कौन सा अभी मैंगो, मैंगो नहीं, मैंने नाम बता दिया आप लोगों को. चलिए, तो कौन है फलों का राजा और समर सीजन में विच इज द फ्रूट विच यू लाइक मोस्ट? येस, इट इज मैंगो.
So this is the fruit which we get from the plant. Apple we get mainly in the winter season. ये भी हमें प्लांट से मिलता है. बनाना, केला हम सभी खाते हैं. बहुत सारा इसमें कैल्शियम होता है, आयरन होता है. हर बच्चे को रोज एक केला खाना चाहिए, राइट? सो बनाना इज द फ्रूट विच वी गेट फ्रॉम प्लांट. तो ये तीन एग्जाम्पल हमारे हुए फ्रूट्स के जो हमें प्लांट से मिलता है. अब मैं आपसे पहले जैसा मैंने बोला आपको कि हम पार्ट ऑफ प्लांट में देखते हैं कि हम कौन सी वेजिटेबल किस पार्ट की खाते हैं. तो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द रूट. रूट हर प्लांट में नीचे बिलो द ग्राउंड रूट्स होता है. तो वी गेट वेजिटेबल्स ऑल्सो फ्रॉम द प्लांट्स. हमें प्लांट से वेजिटेबल भी मिलती हैं. वेजिटेबल प्लांट्स आर स्मॉलर देन ट्रीज. मैंने आपको पिछली बार बताया था प्लांट्स में जो बिग प्लांट्स होते हैं उनको ट्रीज कहते हैं. लास्ट टाइम मैंने आपको और बताया था हर्ब्स, स्मॉल प्लांट्स एंड ग्रीन प्लांट्स आर नोन एज हर्ब. फिर श्रब्स भी बताए थे, बुशी एंड वुडी स्टेम जिनकी होते हैं वो श्रब्स होती हैं. और क्रीपर क्लाइंबर्स भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था और पार्ट ऑफ प्लांट्स भी बताए थे. तो इसमें क्या बता रहे हैं ये लोग कि वेजिटेबल प्लांट्स आर स्मॉलर देन ट्रीज. आप सबको पता है, अभी आपने एग्जांपल देखा था थोड़ी देर पहले, मैंगो, एप्पल, ये जो हैं ये बड़े बड़े पेड़ों में होते हैं, जबकि जो सब्जियां होती हैं वो छोटे छोटे पौधों में होती हैं. अब जो एग्जांपल है रेडिश, रेडिश मीन्स मूली, कैरेट, कैरेट मीन्स गाजर एंड पटेटोज, पटेटोज आर मतलब आलू. तो ये तीनों क्या होती हैं, ये ग्राउंड के अंदर होती हैं. अभी आप लोग फर्स्ट क्लास में हैं तो आप सिर्फ इतना जानिए कि ये ग्राउंड के अंदर रूट्स की तरह होती हैं. बाद में आपको पता पड़ेगा कि ये जो पटेटो है ये रूट नहीं है, ये बेसिकली स्टेम है, पर ये मॉडिफिकेशन है. पर अभी आप सिर्फ इतना ही जानिए ये बिलो द ग्राउंड है, ठीक है? और ये रेडिश और रेडिश एंड कैरेट ये दोनों भी जो हैं रूट हैं, टेप रूट के एग्जांपल्स हैं. और ये सारे रूट्स एडिबल रूट्स हैं जो हम वेजिटेबल की तरह खाते हैं. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, टमेटो, टमाटर, स्पिनेच मींस पालक एंड कॉलीफ्लावर ग्रो ऑन द ग्राउंड. ये सब ज़मीन से ऊपर होते हैं एंड दीज आर फ्रूट्स लीव्स एंड फ्लावर्स. ये तीन अलग अलग पार्ट ऑफ प्लांट के एग्जाम्पल है. पहला टमेटो, टमेटो क्या है, फ्रूट का एग्जाम्पल है जो हम खाते हैं. स्पिनेच पालक पत्तियां हैं, तो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द लीव्स. लीव्स वो पार्ट है इस पालक का, लीव्स जो है हम खाते हैं. एंड एज द नेम सजेस्ट कॉलीफ्लावर, तो ये फ्लावर है एक्चुअली उस प्लांट का विच इज द एडिबल पार्ट ऑफ द प्लांट जो हम एज अ वेजिटेबल खाते हैं. नाउ मस्टर्ड, मस्टर्ड मीन्स सरसों, कोकोनट सबको पता है, नारियल एंड ग्राउंडनट. ग्राउंडनट क्या है, मूंगफली आर द ऑयल सीड्स. ये सारे सीड्स हम ऐसे भी खाते हैं और इनसे ऑयल भी निकाले जाते हैं, ऑयल का एक्सट्रैक्शन भी होता है. वी ईट देम एंड वी क्रश देम फॉर ऑयल ऑल्सो. हम इसे खाते भी हैं और इनसे ऑयल भी निकाला जाता है. ये देखिए पिक्चर, ये एग्जांपल है आपके मस्टर्ड, सरसों के दाने, मूंगफली, ग्राउंडनट और ये कोकोनट, नारियल. कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, नाउ सम प्लांट गिव्स अस स्पाइसेस एंड सावर फ्रूट. स्पाइसेस मींस मसाले, सावर फ्रूट मींस खट्टे फल, राइट? कुछ प्लांट ऐसे हैं जो हमें मसाले, रोज मम्मी सब्जी में मसाले डालती है उसको टेस्टी बनाने के लिए. सो स्पाइसेस जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं किसी भी चीज़ को फ्लेवर देने के लिए, उसको टेस्टी बनाने के लिए. दे मेक आर फूड टेस्टी, आपकी बुक में भी यही लिखा है. सो वॉट आर द टाइप्स ऑफ स्पाइसेस विच वी यूज़ इन आवर डे टू डे लाइफ. ग्रीन चिली, हरी मिर्ची, सबको बहुत तेज़ लगती है पर कुरकुरे और चिप्स में आती है अगर मिर्ची तो हम खा लेते हैं, राइट? चलिए, ग्रीन चिली, हरी मिर्च,
ये एक एग्जाम्पल है प्लांट का, विच मिर्च जो चिली है, इट कैन बी यूज एज अ स्पाइस. क्लोव, क्लोव मीन्स लौंग. लौंग, लौंग मम्मी सब्जी में डालती हैं और मसालों में भी उसको डाल के उनकी प्रिपरेशन होती है. टैमरिंड, सावर फ्रूट लिखा है. टैमरिंड मीन्स इमली, खट्टा फल. तो इमली कुछ सब्जियों में डाली जाती है, सांबर में डाली जाती है, आपकी जो सौंठ की चटनी बनती है उसमें भी इमली डाली जाती है. समोसे के साथ आप यमी चटनी खाते हो, रेड चटनी, वो इमली के साथ बनती है. राइट, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सावर फ्रूट. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कॉफ़ी. सबको पता है कॉफ़ी कोको बीन्स से बनती हैं, कॉफ़ी बीन्स से. एंड टी, चाय एंड शुगर ऑल्सो कम फ्रॉम प्लांट. ये सब भी प्लांट से आता है. कॉफ़ी कॉफ़ी प्लांट में बीन्स से बनता है. टी जो है वो लीव्स से बनता है. टी लीव्स होती हैं जो हिली रीजन में पाई जाती हैं हमारे इंडिया में, जैसे कि दार्जिलिंग में, फिर सिक्किम में, और कोस्टल एरियाज़ में चले जाएं थोड़ा तो मुन्नार में, वहाँ पे ये टी लीव्स पाई जाती हैं. और शुगर, वी आर वेरी रिच इन शुगर इन नॉर्थ एरिया, यूपी में, बड़ौत के आसपास ईंख, गन्ने की खेती बहुत होती है. तो ये शुगर केन इज द फ्रूट विच हेल्प्स इन मेकिंग शुगर. इससे हम चीनी बनाते हैं. तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ शुगर केन, फ्रॉम विच वी गेट द शुगर. राइट, so this is all about your chapter plants as food. So please read this chapter again and again and try to understand the chapter along with the part of plants. Thank you.